है राज पंडित मैं एक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और पिछले दस ग्यारह साल से मैं सलीम सुलेमान के साथ जुड़ा हूं एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर तो आ, आ, उनका एक एल्बम है जिसका नाम है भूमि जो वो हर साल करते हैं एज ए प्रोजेक्ट जिसमें हम आ, देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तरह का फोक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक या यू you नो know, जो डिवोशनल म्यूजिक है उनको हम एक नए अंदाज़ में लेके आते हैं उनको हम एक नए अंदाज़ में लेके आते हैं अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हम काम करते हैं रिकॉर्ड करते हैं वीडियो शूट करते हैं तो इस बार का जो सीज़न था हमारा भूमि का भूमि ट्वेंटी टू उसमें हमें कश्मीरी गाना आ, करने की बहुत इच्छा थी बहुत तमन्ना थी और चूँकि मैं कश्मीरी जानता हूँ मैं बचपन से ही आ, आ, सीखा हूँ कश्मीरी म्यूज़िक मेरी जो मदर है नीरजा पंडित वो आ, बड़ी पुरानी वेल नोन फोक सिंगर हैं कश्मीर से तो बचपन से ही म्यूज़िक सुना है बचपन से ही कश्मीरी म्यूज़िक गाया है और सीखा है तो इस बार हमने सोचा कि भूमि के लिए जब हम कश्मीरी गाना करें तो डोलवाल साहब का ये गाना नाजनी यार मानी ये छो मुलाकात ये हमने इस बार इस एल्बम में किया है और मेरे साथ नूर मोहम्मद साहब ने भी गाया है इस गाने को तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है मेरे लिए बिकॉज मैं बाईस साल के बाद आज कश्मीर आया हूँ और यहाँ पर आके इतना अच्छा लग रहा है इतना घर जैसा लग रहा है काफ़ी सरियल फीलिंग है और आप सबके सामने ये गाना आज रिलीज़ होगा रात को बारह बजे ऑडियो और इसका वीडियो कल यूट्यूब पर रिलीज़ होगा चार बजे सलीम सलेमान के चैनल पर तो आप सब यहाँ आए बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए और उम्मीद है कि आपको जब आपके गाना सुनेंगे आ, आपको उतना ही पसंद आएगा जितना हमें बनाते वक्त मज़ा आया मैं कश्मीरी में फोक एल्बम्स में हमने रिकॉर्ड किए हैं काफ़ी सारे मैंने अपने मदर के साथ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एज अ सिंगर ऑल्सो कुछ हमने एल्बम्स किए थे कॉन्ग व चश्मा चशमा भवंदे उनका एक एल्बम था पत्रम पुष्पम एक डिवोशनल एल्बम था याद वो तो रखा एक एल्बम था तो मैं uh, काफ़ी समय से मैं कश्मीरी uh, uh, गाने रिकॉर्ड कर कर चुका हूँ और uh, रिलीज़ भी हुए हैं एल्बम्स बट वो एक बड़े फोक कलर में थे ट्रेडिशनल uh, यू नो स्टाइल में थे इस बार जो हमने किया है ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी एक स्टाइल है बहुत ही नया एक अंदाज़ है हमने डोलवा साहब का गाना तो है ही नाजनीन बट उसके साथ हमने एक हिंदी पार्ट भी नया कंपोज़ किया है सलीम सलमान ने ताकि जो कश्मीर की जो खुशबू है वो दुनिया में हर कोने में पहुँचे और जो लोग कश्मीरी नहीं भी जानते उन्हें भी ये गाना समझ में आए इसकी सोच क्या है इसकी लिरिक्स का मीनिंग क्या है और इसके पीछे की जो स्पिरिट है वो क्या है हम चाहते थे कि यू नो नॉन कश्मीरी भी इस गाने को सुने और हमारे कश्मीरी फोक म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला इस एल्बम में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एलबम okay. में दस गाने हैं बट ये एक ही कश्मीरी गाना है बिकॉज इसमें हमने एक कन्नडा गाना भी किया है हमने एक uh, राजस्थानी फोक का भी कलर किया है हमने यू uh, नो you know, एक uh, रैप भी किया है पॉप का एक, एक एंगल लिया तो बहुत सारे हर गाने का अपना एक रंग है अपना एक हर एक प्रांत का एक अपना कलर है तो कश्मीर से हमने इस बार जो ये गाना किया तो ये एक ही गाना है जो कश्मीरी में है और जैसा कि मैंने कहा नूर मोहम्मद साहब के आने से इस गाने में चार चांद लग गए क्योंकि उनको हम बड़े समय से उनके साथ काम करने की इच्छा थी उनके साथ गाना करने की इच्छा थी और इस इसी बहाने हमें मौका मिला तो काफ़ी मजा आया उनके साथ भी और आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ